बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वक्त था, बड़ी गैरत शर्म के साथ दुल्हा अपनी बीवी को दुनिया की नज़रों से छुपा कर वाकई में इस्लाम के कवानीन के मुताबिक पर्दे का इंतज़ाम करता था। आज का ये वक्त है कि दुल्हा भी बेगैरत बन चुका है और दुल्हन वीडियो फ़ोटो ना बनवाए तो उन्हें तो खाना भी हज़म नहीं होता, शादी का भी मज़ा नहीं आता। इंजॉयमेंट आज के दौर की हमारी यही है, हम लोग नाच नाच कर मट्टी पर ईद करते हैं, अल्लाह की हदूद को क्रॉस करते हैं, किसी भी ऐसी वैसी हरकत के ज़रिए से वायरल होने के लिए अपनी वीडियोस भी कैमरा वालों को दे देते हैं। सोशल मीडिया पेजेस पर अपलोड कर दीजिएगा, हमारी शक्लें, हमारे हुलिये हमें वायरल कर दें। अब इस्लाम तो एक दूसरे का लिबास मर्द और औरत को करार देता है जो कि शादीशुदा हो जाते हैं, जो कि शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ख़ुद बेलिबासियाँ की जा रही हैं। मनाज़िर आपने देख लिए होंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक पॉजिटिव सी बात माइंड में थी, आप तक पहुंचा दी। आपकी इस मुतालिक क्या राय है कमेंट लास्ट में कीजिएगा। काश इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मर्दों को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बहनों बेटियों को इस चीज़ की अक्ल आ जाए, शऊर आ जाए कि भला क्या है बुरा क्या है, अल्लाह के अहकाम क्या हैं और शैतान किस तरफ हमें लगा रहा है। हम आज कल झुकाव ज़्यादातर शैतान की तरफ ही रखते हैं, मगर फिर भी हमें चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगे और उसको राज़ी कर लें, शैतान के रास्ते को छोड़कर भलाई के रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह पाक हमें तौबा इस्तगफार की तौफीक नसीब फरमाए, राह हिदायत नसीब फरमाए, आप सबका हामी नासिर हो। इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट लाजमी करें और सब्सक्राइब भी करते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।